इस वीडियो में हम बात करेंगे वह कौन सी एक्सरसाइज है जो वेट लॉस में काफी हेल्प करती है और वह बाकियों से कैसे अलग है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा और मैंने अपना 28 केजी 28 किलो वेट लूज किया है 100% हेल्दी और नेचुरल वे से, और इन वीडियोस के थ्रू मैं अपने वेट लॉस एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम सभी जानते हैं आपके वेट लॉस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी डाइट और उसके बाद आपकी फिजिकल एक्टिविटी। अब फिजिकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, कोई भी एक्टिविटी जैसे कि सीढ़ियां चढ़ना, वॉक करना, कोई गेम खेलना या फिर डांस करना, इन सभी चीजों से आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, किसी से कम तो किसी से ज्यादा। और अगर सिर्फ एक्सरसाइज की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी तरह की एक्सरसाइज से आपकी कैलोरीज बर्न होती है और आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। पर अगर सिर्फ वेट लॉस की बात की जाए तो कार्डियो, रनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब वेट के साथ की जाने वाली एक्सरसाइज को सबसे इफेक्टिव माना जाता है। मैंने थोड़ा थोड़ा तीनों को ट्राई किया है और सभी से फर्क पड़ा है। अब अगर कार्डियो की बात करते हैं तो इन हाउस कार्डियो थोड़ा बोरिंग हो जाता है और वेट के साथ एक्सरसाइज के लिए जिम जाना पड़ता है और आजकल तो पर्सनल ट्रेनर के ऊपर अलग से खर्चा करना पड़ता है। पर रनिंग के लिए बस आपको चाहिए एक पेयर शूज और घर से बाहर निकलते ही स्पेस ही स्पेस। तो मेरे हिसाब से रनिंग बेस्ट एक्सरसाइज है आपके वेट लॉस के लिए और आपकी हेल्थ को बेहतर करने के लिए। रनिंग से ना जाने कितने लोगों ने अपना वेट लॉस किया है। आपके मोटिवेशन के लिए मैंने नीचे एक लिंक शेयर किया है जिसमें उन सभी लोगों के बिफोर आफ्टर पिक्स और कितने समय में कितना वेट लॉस किया है सभी कुछ लिखा है, देखिएगा जरूर। पर क्या आप जानते हैं रनिंग में ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरी एक्सरसाइज से बेहतर बनाता है। रनिंग करने से आपको अंदर से अच्छा लगता है और आपका मन करता है कि आप और करें, और धीरे धीरे यह इंटरेस्ट आपके हेल्दी एडिक्शन में बदल जाता है। अब आप ही बताइए इससे अच्छा एडिक्शन और क्या हो सकता है। इसके अलावा रनिंग में आपका वेट लॉस एम नहीं होता, आपका एम होता है आप ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस तक दौड़ें, और वेट लॉस तो उसका साइड इफेक्ट होता है। इसके अलावा रनिंग भी एक कार्डियो है, पर किसी भी इन हाउस कार्डियो या वेट ट्रेनिंग से रनिंग में ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है, मतलब कैलोरी बर्निंग के मामले में भी रनिंग ही बेहतर है। और रनिंग में नया क्या है, हमने सभी ने बचपन में काफी रनिंग की है, पहले तो खेल ही भागने के खेलते थे, तो ना किसी गाइडेंस की जरूरत ना किसी ट्रेनिंग की, बस सुबह उठिए और निकल जाइए। मैं यह भी जानती हूँ कि यह इतना आसान नहीं है जितना कि मैं कह रही हूँ। हम में से बहुत से लोगों में से किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है तो किसी को हार्ट की, किसी को सुबह उठने की प्रॉब्लम है तो किसी को टाइम की, ये कुछ लोगों के लिए मैनेजेबल है तो कुछ लोगों के लिए नहीं। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया है कि अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो अपने वेट लॉस के लिए रनिंग को चुन लीजिए, इससे सच में फर्क पड़ता है। मैंने पर्सनली ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने सिर्फ रनिंग या जॉगिंग से वेट लॉस किया है। शुरुआत वॉक से करें, फिर धीरे धीरे थोड़ा जॉगिंग स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपनी डिस्टेंस बढ़ाएं और स्पीड बढ़ाएं। छोटे छोटे डिस्टेंसेस के एम बनाएं और फिर उन्हें बढ़ाएं, और जैसे जैसे आप अपने एम्स कंप्लीट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको विनर जैसी फीलिंग आएगी और यह फीलिंग आपको बड़े गोल्स बनाने के लिए एनकरेज करेगी। बस यही तो हमें चाहिए, हम वेट लॉस का एम ना बनाकर स्पोर्ट्स का एम बनाएं, उसे अपनी लाइफस्टाइल में ले आएं। तो फिर ना तो वेट लॉस करने के बारे में सोचने की जरूरत ना वेट मैनेजमेंट की। अब आप सोच रहे होंगे क्या इसके साथ भी डाइट करनी होगी। हाँ, डाइट तो करनी होगी, पर उतनी स्ट्रिक्ट डाइट करने की जरूरत नहीं है, बस आप हेल्दी खाएं और ओवर ईटिंग ना करें और बाकी रनिंग पर छोड़ दें। तो अगर आप कर सकते हैं तो सुबह खुली और फ्रेश एयर में निकल जाइए, और अगर रनिंग आपके लिए ऑप्शन नहीं है तो घर पर ही कार्डियो पर ध्यान दें या योगा करें, खासतौर से सूर्य नमस्कार, और एक प्रॉपर डाइट फॉलो करें, वेट लॉस उससे भी होगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे ये दूसरे लोगों के भी काम आ सके। और अगर वेट लॉस से रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इसी तरह के वेट लॉस टिप्स
डाइट और फूड्स के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।